माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ड्रीम क्लासेस के आज के इस सेशन में। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। सभी का एक बार फिर से वेलकम है आज के इस क्लास में। और बिल्कुल आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी से इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी जल्दी से आकर जुड़ जाइए हमारे साथ। और जो गतिविधियाँ हो रही थी, जैसा कि आपको पता है कि दो लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक टॉर्क वाला बचा हुआ है जिसको हम तुरंत जल्द ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। आपको पता है इसकी वैल्यू, जो बच्चा क्लास ट्वेल्थ में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है उसको गॉस थ्योरम की वैल्यू बिल्कुल अच्छे से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, गॉस थ्योरम एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक शॉर्ट प्रोसेस है। आज हम आपको कम समय में, ठीक है, गॉस थ्योरम को जो है सिद्ध करके दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। तो जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पर डिस्कस करते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि विद्युतीय फलक्स फाई के बारे में हमने पढ़ा था कि विद्युतीय फलक्स फाई बराबर होता है ई डॉट ए। क्या हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ई डॉट ए पढ़ा था, से यस या नो? विद्युतीय फलक्स फाई बराबर हमने पढ़ा था ई डॉट ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, सॉरी ई ए कॉस थीटा। ये कल की क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया था कि विद्युतीय फलक्स फाई बराबर ई डॉट ए, जिसको हम फाइव बराबर लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। आज ये चीज़ें बिल्कुल आपको काम देगी। आज जो है ना, आज हम लोग गॉसिय फलक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद गॉस के प्रमेय को अच्छे से समझेंगे। लगभग मैं 30 से 35 मिनट की 40 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसमें हम आपको गॉस के प्रमेय को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर देंगे। और उम्मीद है कि आज के बाद आपको गॉस का प्रमेय बिल्कुल भी, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जुड़ गए हमारे साथ सभी लोग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं और हमारे ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। देखिए, तो कल हमने पढ़ा था कि विद्युतीय फलक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आज हम लोग विद्युतीय फलक्स से, गॉस के प्रमेय से एक नया फॉर्मूला हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हर एक टीचर एक डेफिनेशन बताता है, आज हम लोग गॉस के प्रमेय को दो डेफिनेशन में बताएं। ये हमारा खुद का लिखा हुआ डेफिनेशन है, ये तो किताबी भाषा है जो बिल्कुल हमें आपको समझाना है। कहा गया किसी बंद तल से होकर, देखिए गॉस का प्रमेय के लिए सबसे जरूरी चीज़ है एक बंद पृष्ठ, एक बंद सतह, वहीं से आपको गॉसिय पृष्ठ आप तभी निकाल सकते हो। अगर सतह खुली हुई है तो आप गॉसिय पृष्ठ, गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा, गॉसिय पृष्ठ आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। यानी उस सतह के बाहर में जितने भी आवेश होंगे वो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब काम कार्यकार नहीं होगा। पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कहा गया किसी बंद तल से होकर, हम करेंगे आकर, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फलक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश, आवेश का इप्साइलन, वन बटे इप्साइलन नोट, ये है निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युता, जो भी कहिए, ठीक है। किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फलक्स का मान तथा तल के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का इप्साइलन नोट, वन बटे इप्साइलन नोट गुना होता है, जहां इप्साइलन नोट जो है मुक्त आकाश की परावैद्युता कहिए या विद्युतशीलता कहिए, ठीक है, मुक्त आकाश की परावैद्युता। ये बातें अगर आपको समझ में नहीं आई तो जो हमारा खुद का डिफिनेशन है आप इसको पहले देखो। हमने लिखा है कि गौसीय पृष्ठ के अंदर, मानकर चलिए ये गौसीय पृष्ठ हम बनाएंगे भी कुछ सेकेंड बाद, गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, मतलब जोड़ना, ठीक है, गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग निर्वात की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता यानी आप इसको क्या कहेंगे, इप्साइलन नोट का अनुपात ही बंद काल्पनिक पृष्ठ के गौसीय पृष्ठ को दर्शाता है।
गौसीय सतह को दर्शाता है या गौसीय सतह को दर्शाता है। गौस एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, गौसीय फ्लक्स होगा ना जी, किसको दर्शाएगा, गौसीय फ्लक्स को दर्शाएगा। और गौसीय फ्लक्स फाई बराबर जो है सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला होता है गौसीय, क्योंकि देखिए हमने कहा कि गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, ये जो बीजगणित ये जो है ना सिग्मा क्यू, ये है हमारा गौसीय पृष्ठ के अंदर, गौसीय पृष्ठ के अंदर सभी उपस्थित उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। अभी हम लोग करेंगे इसको एग्जांपल करके, बीजगणितीय योग और इप्सिलॉन जो नोड जो है वो हमारा है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, और ये है, ये हमारा क्या है जी, गौसीय फ्लक्स है, ठीक है, ये हमारा गौसीय फ्लक्स है, समझ इस चीज़ को। तो जो हमने डेफिनेशन लिखा है अपने मन से, ये तो किताबी भाषा है, कहा गया किसी बंद तल से होकर, ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम फिगर बनाएंगे, तो किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का इप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और जहाँ इप्सिलॉन जो वन बटे इप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहाँ वन बटे इप्सिलॉन नॉट जो है मुक्त आकाश की प्रवैधता या विद्युतशीलता है। हमने डेफिनेशन लिखा कि गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही बंद काल्पनिक पृष्ठ के गौसीय फ्लक्स को दर्शाता है। अब देखिए गौसीय फ्लक्स फाई बराबर एक फॉर्मूला होता है, पीछे हमने पढ़ा था फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, वो गौसीय वो उधर था ना गौस सॉरी वो था विद्युतीय फ्लक्स ई फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं गौसीय फ्लक्स फाई बराबर ये हमारा सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू जो है वो गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय, जैसे मानकर चलिए कि कुछ आवेश हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर हमें इसे डेफिनेशन को इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना हो तो कैसे, देखिए चैट पर ज़्यादा बातें नहीं करते, टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। देखो जैसे कुछ आवेश हम ले लेते हैं, मानकर चलिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 और यहाँ साइड में हम ले लेते हैं Q7, ठीक है, और यहाँ पर एक हम बंद तल के अंदर बोल रहा है जी, मानकर चलिए इसको बंद तल कर दिए, करें गौसीय पृष्ठ के अंदर, ये एक कौन सा पृष्ठ है, ये हमारा गौसीय पृष्ठ है, ठीक है, ये हमारा कौन सा पृष्ठ है, ये हमारा गौसीय पृष्ठ है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा कि गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेश, तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 और ये Q7 है, गौसीय पृष्ठ हमने यहीं से बना दिया, Q7 को जानबूझकर हमने बाहर कर दिया, तो कहा गया गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी हम कहेंगे गौसीय पृष्ठ बराबर, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, गौसीय फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, ये हमने अभी पढ़ा ना सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर यहाँ पर बोले कि यहाँ पर आप गौसीय फ्लक्स पर क्या फॉर्मूला बनाओगे, तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा कि गौसीय फ्लक्स सिग्मा क्यू बराबर बटे इप्सिलॉन नॉट होता है। आप कहिएगा सर सिग्मा क्यू क्या है, हमने लिखा है कि सिग्मा क्यू के बारे में हमने लिखा है कि गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय, यहाँ पर भी लिखा हुआ है गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय, तो गौसीय पृष्ठ हमारा ये है, गौसीय पृष्ठ हमारा ये है, तो इसके अंदर कौन कौन सा आवेश है, तो आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 तक है, इसका बीजगणितीय योग यानी गौसीय फ्लक्स फाई बराबर हम कहेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q1 Q2 Q3 Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 अब बटे बीजगणितीय योग और बटे निर्वात की विद्युतशीलता हम कहेंगे इप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ से हमारा ये बनकर निकला। अब सवाल आता कि सर आपने ये जो Q7 है, ये जो आपने Q7 है इसको आपने क्यों नहीं ऐड किया, तो इस चीज़ को भी हम अच्छे से डेफिनेशन इस चीज़ को हम अच्छे से बिल्कुल क्लियर करेंगे कि हमने इसको क्यों नहीं ऐड किया। फिलहाल जैसे मानकर चलिए कि अगर यहाँ पर ठीक है अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर Q5 और Q6 नहीं रहता, तो यहाँ पर से जो है क्या बनता हमारा, बनता गौसीय फ्लक्स फाई बराबर
ठीक है, हमारा बनता बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी गौस आवेशों का बीज गणित योग, कभी चार ही आवेश है ना जी, तो हम कहेंगे सॉरी ये जो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू बटे इप्साइलन नोट, तो यहाँ पर सिग्मा क्यू हो जाता है क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर और बटे इप्साइलन नोट यानी निर्बात की विद्युतशीलता, यानी यहाँ से हमारा ये बनता है। यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करेगा कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कौन कौन से आवेश उपस्थित है। इतना क्लियर हुआ, पहले आप नोट करिए फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ये जो है हमने इसको Q7 यहाँ क्यों नहीं किया, यानी जो बंद पृष्ठ के बाहर जो है आवेश हमने उसको कुल बीजगणितीय योग में क्यों नहीं जोड़ा, ये चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर आप लोग करिए जल्दी 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 से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सभी लोग बिल्कुल जुड़े रहेंगे हमारे साथ, कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़े रहेंगे अच्छे से। तो सीधे सीधे अगर आपसे एक लाइन में बोले कि छोड़ो हमें किताबी भाषा नहीं आता, तुम बताओ कि गौसीय फ्लक्स फाई बराबर हम क्या कहेंगे। देखो बात मेरी सुनो, यहाँ से जहाँ से सुनना है एकदम बिल्कुल गौर लगा के सुनो कि अगर कोई आपसे पूछे खड़ा करके आपका हाथ पकड़ के बोले कि बताओ बाबू गौसीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, तो अगर आपका मन करे कि नहीं हमें किताबी भाषा बिल्कुल नहीं बोलना है, तो हम कहेंगे सर जी वो जो बंद पृष्ठ है ना, वो जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर जितना आवेश है सबको जोड़ दीजिए और इप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए निर्वात की विद्युतशीलता से, तो हमारा गौसीय फ्लक्स फाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए अनुपात का मतलब क्या, विद्युतशीलता का अनुपात। तो देखिए सिंपल है, हमने लिखा कि गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग, तो सभी आवेशों का बीजगणितीय योग इप्सिलॉन नॉट है, गौसीय फ्लक्स फाई बराबर इप्सिलॉन नॉट सॉरी नहीं इप्सिलॉन नहीं सिग्मा क्यू है ना जी सॉरी सिग्मा क्यू है और कहा तथा निर्बाध की विद्युतशीलता, निर्बाध की विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट है, इसका अनुपात। तो देखिए अनुपात करना मतलब ये, और अनुपात करेंगे तो ये बटाएगा ना जी, यानी सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, यानी बात वही हुआ, घिस्तिर के हमें यहीं पे आना पड़ा। ये हमारा जो है ये हमारा VVI इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया जी। ठीक है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया, जब हम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमें बहुत काम देगा कि गौसीय विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ए कॉस थीटा या ई डॉट ए और गौसीय फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निर्बाध की विद्युतशीलता। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है सभी का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो अब हम लोग डिस्कस करते कि ये जो है ये Q7 आवेश जो बंद पृष्ठ के बाहर है उसे हमने कुल बीज गणितीय योग में क्यों नहीं जोड़ा, ये भी तो एक आवेश है ना जी। लेकिन यहाँ पे तो लैंग्वेज कहा गया कि गौसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीज गणितीय योग यानी सिग्मा क्यू और निर्बात की विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन नॉट का रेशियो करिए यानी बटा करिए, तो यहाँ से हमें जो है वो गौसीय फ्लक्स को दर्शाएगा यानी गौसीय फ्लक्स का फार्मूला हमें निकलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे नहीं हमें कॉन्सेप्ट के साथ बताइए, तो चलिए देखिए करते कैसे, इतना मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल डेफिनेशन है, ये आप उतार लो बिल्कुल अभी भी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं हट रहा हूँ ले लो, हो गया ये फॉर्मूला समझ में आ गया सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे आपको काम देगा। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ इस टॉपिक पे कि हमने इसको क्यों नहीं रखा। यहाँ तक रहने देते हैं, ये अभी आपको काम देगा डेफिनेशन। जैसे मानकर चलिए कि हमने एक Q1 आवेश लिया और एक हमने Q2 आवेश लिया, मानकर चलिए कि Q1 आवेश को हमने एक बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया, समझो इस चीज़ को बात को। ठीक है, हमने एक Q1 आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया और जब बंद पृष्ठ के अंदर रखा, अच्छा आपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में सुना है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपने सुना होगा, एक सेकेंड रुको फिर हम बताते हैं आपको। हाँ चलिए तो देखते हैं, तो जैसे हमने क्या किया कि एक Q1 आवेश है जिसको जो है हमने गौसीय पृष्ठ के अंदर रखा। ठीक है, गौसीय पृष्ठ
या गौसिय फ्लस्क कहिए, जो भी गौसिय पृष्ठि कहेंगे, इसके अंदर रखा। और एक जो हमारा Q2 है इसको हमने क्या कर दिया, गौसिय पृष्ठ के बाहर रखा। और आपको पता है कि कोई आवेश से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आवेश से निकल कर अनंत तक जाती है, ये आपने पढ़ा है, पीछे भी हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आवेश से निकल कर अनंत की ओर जाती है, ये आपने पढ़ा या नहीं, और अनंत से चलकर आवेश की ओर आती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्लस आवेश से निकलकर अनंत तक जाती है और माइनस अनंत से निकलकर ऋणात्मक आवेश तक आती है, ये आपने पढ़ा। तो ये जो है ये Q2 एक प्लस धनावेश है। अब इससे जो है हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजारेंगे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजारेंगे तो ऐसे ऐसे कितना भी गुजार सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मानकर चलिए इधर से हमने दो निकाला, गुजारा, थोड़ा सा एक बार फिर से रुक जाइएगा, अच्छे से करते हैं। आपने पढ़ा है ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत तक जाती है, ये आपने पढ़ा है ना। तो मानकर चलिए ये हमने Q2 और ये हमने क्या रखा, Q1 आवेश रखा। और ये जो Q1 आवेश को हमने कहाँ रख दिया, बंद पृष्ठ के अंदर, वो जो अभी हमने फिगर बनाया था ना, तो बंद पृष्ठ के अंदर हमने रखा है, या गोलीय पृष्ठ के अंदर रखा है, या बंद पृष्ठ ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंद पृष्ठ के अंदर हमने Q1 आवेश को रखा है। और आपने पढ़ा है कि कोई आवेश, सॉरी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धन आवेश से निकलकर अनंत तक जाती है, तो धन आवेश से यानी यहाँ से निकलेगा और ये अनंत तक जाएगा, तो क्या ऐसे जाएगा, ठीक है, क्या ऐसे जाएगा, या सही है ना, बिल्कुल, एक सेकेंड, हाँ जी बिल, थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे एंगल हम यहाँ लेते हैं Q2, ठीक है, ये Q2 हम ऐसे लेते हैं, तो धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है। तो आप देखो कि धनावेश से निकलकर, जैसे देखो यहाँ से ये निर्गत, ठीक है, आगत और निर्गत जिसको बोलते हैं, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, तो देखो ये Q1 से Q2 से निकलकर ये धनावेश की ओर अनंत की ओर गई, ऐसे निकल रहा है, ठीक है, मानकर चलो, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो बंद पृष्ठ के अंदर कितनी किरणें गई, ठीक है, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है गई, तो यहाँ पर एक और दो, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गई। तो आपने पढ़ा होगा कि अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर किसी आवेश में प्रवेश करती है तो वो ऋणात्मक होती है, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गई, यानी जाने वाली किरणें ऋणात्मक होती है तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गई, तो -2, और आवेश से निकलकर अनंत तक जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणात्मक होती है, तो यहाँ से देखिए निकलने वाली भी दो है, आने वाली आगमन करने वाली किरणें भी दो हैं, ठीक है, और निकलने वाली किरणें भी दो हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी दो है और निकलने वाली भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि प्लस Q1 आवेश से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और Q2 आवेश से के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसमें आगमन करती है, तो दो निकली और दो आगमन की, ठीक है, तो दो निकली दो आगमन की, तो -2, क्योंकि घुसने वाली रेखाएं निगेटिव होती है और क्यू आवेश से निकलने वाली रेखाएं पॉजिटिव होती है, तो -2 + 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है, कि जब यहाँ पर जो कुल नेट आवेश जो है ना, नेट फलस्क जो है वो हमारा 0 है, इस कारण से उसको हम बंद पृष्ठ के अंदर उसको नहीं जोड़ते हैं, क्लियर है, बंद पृष्ठ के अंदर इसको नहीं जोड़ते, पहले इसका आप फिगर बनाइए थोड़ा सा, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है, पहले आप फिगर बनाओ फिर हम आपको अच्छे से समझाते हैं, जल्दी से इसका फिगर बनाओ, हो गया यहां तक, तो इसमें हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे कि डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि गौसिय पृष्ठ के बाहर, गौसिय पृष्ठ के बाहर, ये है ना, ये गौसिय पृष्ठ के बाहर है, ये हमने क्या रखा था, गौसिय पृष्ठ रखा था, गौसिय पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण, गौसिय पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण
गौसिय पृष्ठ में जाने वाली तथा गौसिय पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान है। देखिए इसको हम फिगर को एक बार फिर से करना चाहेंगे, ठीक है। समान है इसलिए नेट आवेश शून्य होगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, थोड़ा सा ये फिगर हमने सही से नहीं बनाया। जैसे मानकर चलिए कि कोई भी फिगर हो, जरूरी नहीं है कि गोलाकार ही हो गौसिय पृष्ठ, ये हमने गौसिय पृष्ठ बना दिया, ठीक है। ये क्या है हमारा गौसिय पृष्ठ है, और गौसिय पृष्ठ है, और ये यहाँ पर जो है ये हमारा Q1 आवेश है, ठीक है। ये हमारा Q1 आवेश है, Q1 आवेश है, ये हमारा Q2 आवेश है, ठीक है। अब Q2 आवेश एक धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से गुजरकर अनंत तक जाती है, ये आपने पढ़ा है। तो धनावेश से गुजरकर, ठीक है, धनावेश से गुजरकर अनंत तक गई, धनावेश से गुजरकर अनंत तक गई, और भी बड़ा कर सकते हैं, धनावेश से गुजरकर अनंत तक गई। एक आंक और भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप गुजार सकते हो, कहीं कोई रुकावट नहीं। थोड़ा सा ये एंगल ऐसे कर दो कि धनावेश से गुजरकर अनंत तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने धनावेश से गुजरकर अनंत तक किया, तो हमने पढ़ा है कि देखिए धनावेश से गुजरकर अनंत तक गई, तो और भी बहुत सारा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो धनावेश से गुजरी और अनंत तक गई, तो यहाँ पर कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गौसिय पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी, तो पहले गौसिय पृष्ठ में आगमन की, तो आगमन करने वाली रेखाएं निगेटिव होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक होती है, और क्यू आवेश से बाहर निकलने वाली अनंत तक जाने वाली धनात्मक, सॉरी आगमन करने वाली ऋणात्मक, और क्यू आवेश से बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक होती है। तो तीन आगमन किया तो तीनों ऋणात्मक -3, और तीन बाहर गया तो तीनों +3, तो माइनस प्लस जो है वो नेट आवेश क्या हो जाएगा, नेट आवेश शून्य हो जाएगा, इस कारण से शून्य होगा, इस कारण से विद्युत क्षेत्र रेखा गौसिय पृष्ठ के अंदर जो है वो बाहर वाले आवेशों को नहीं ऐड करते। जहाँ तक क्लियर हुआ, सब लोग जल्दी जल्दी से करेंगे, नोट करिए फटाफट, उसके बाद हम पूरा मिटा देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, नेट करो जल्दी, सॉरी नोट करो जल्दी जल्दी सब लोग। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये जो गुजरने वाली और निकलने वाली आवेश जो है बिल्कुल बराबर होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो नेट आवेश शून्य हो जाता है, इस कारण से हम इसको बंद पृष्ठ के अंदर नहीं रख सकते हैं। क्लियर है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग सीखेंगे यहां पर आज, ठीक है। वो टॉपिक्स क्या है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। यहां तक क्लियर है, अब देखिए यहां पर जो है ना, यहां पर हम तीन फिगर बनाते हैं, तीन गौसिय पृष्ठ बनाते हैं। अच्छा आपने अभी गौसिय फ्लक्स, अभी हमने क्या पढ़ा है, सॉरी अभी हमने पढ़ा है गौसिय फ्लक्स फाई बराबर, ठीक है, हमने पढ़ा है गौसिय फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, इतना याद रखिएगा ये फॉर्मूला। और विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर हमने पढ़ा है ई ए कॉस थीटा, हालांकि इसकी वैल्यू मतलब इसका अभी यूज़ नहीं है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले कि गौसिय फ्लक्स फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहेंगे, और ये कॉन्सेप्ट क्या है आप अच्छे से समझो, अभी बहुत लंबी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी कुछ लिखाना भी अमेंडमेंट टॉपिक्स हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या आपको कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। जैसे मानकर चलिए, ठीक है, कि ये एक गौसिय पृष्ठ हमने ये बनाया, एक गौसिय पृष्ठ हमने ये बनाया, ठीक है,
ये वृत्ताकार है, ये वर्गाकार है, और एक हमने ऐसे ही कोई बस बना दिया कुछ, ठीक है, कोई फिगर नहीं। समझ रहे हो उस चीज़ को? फिगर बिल्कुल सही बना है ना। यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश, और ये गौसिय फ्लक्स फाई वन, ये फाई टू, और ये क्या है फाई थ्री है, सॉरी ये क्या है फाई थ्री है, गौसिय फ्लक्स फाई वन फाई टू फाई थ्री। क्लियर है? हमने तीन फिगर बनाया, तीन गौसिय फ्लक्स को, गौसिय पृष्ठ को बनाया, एक हमारा क्यू वन, तीनों पर आवेश बिल्कुल सेम है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये गौसिय फ्लक्स फाई, ये फिगर नंबर पहला, ये फिगर नंबर दूसरा, और ये फिगर नंबर तीसरा, ठीक है। तो हमें पता है कि गौसिय फ्लक्स फाई बराबर जो होगा वो होगा, ठीक है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा क्यू मतलब क्या? गौसिय पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। तो गौसिय पृष्ठ के अंदर सभी आवेश कितना है जी? क्यू है बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये फाई वन है, फाई टू अगर हम करते हैं तो सिग्मा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू कितना है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट अभी हमने समझाया नहीं है। अब यहाँ पर फाई थ्री की बात करें तो वही सिग्मा क्यू, तो सिग्मा क्यू यानी कुल आवेशों का बीजगणितीय योग, यहाँ क्यू है बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि फाई वन की भी वैल्यू उतना ही आया, फाई टू की वैल्यू भी उतना आया, फाई थ्री की वैल्यू भी इतना है? यानी हम क्या कह सकते हैं कि फाई वन बराबर फाई टू बराबर फाई थ्री? तो आपने यहाँ से इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, क्या सीखा आपने इस कॉन्सेप्ट में? बाबू हमने इस कॉन्सेप्ट में इन तीन फिगर से ये सीखा है, समझो इस चीज़ को, हमने इस तीन फिगर से ये सीखा है कि अगर गौसिय फ्लक्स फाई का मान अगर फाइंड आउट करना है तो गौसिय सतह के आकार पर वो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गौसिय सतह का जो आकार है वो वर्गाकार है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, या अंडसंड जो भी है उस पे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ कि गौसिय फ्लक्स का मान, गौसिय फ्लक्स का मान, ठीक है, गौसिय फ्लक्स का मान, गौसिय सॉरी गौसिय पृष्ठ के आकार एवं बनावट पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता, से अस्यनु बिल्कुल निर्भर नहीं करता। एक हो गया, एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, इसको नोट करिएगा जल्दी से फटाक फटाक, इधर मैं देख लेता हूँ बोर्ड है खाली या नहीं, फिर बता देते हैं उसको, ठीक है, इसको नोट करिए फटाक फटाक जल्दी जल्दी। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, इसको करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा देखिएगा जो हम आपको बताना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, कॉन्सेप्ट नंबर टू में हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, क्या आपके माइंड में हम डालना चाहते, क्लियर है ना जी? क्या फर्क पड़ता है कि वो वर्गाकार है, वृत्ताकार है, या अंडसंड त्रिभुजाकार है, ठीक है, रेक्टेंगल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सीधे सीधे समझिए कि गौसिय फ्लक्स का मान जो है वो सीधे सीधे डिपेंड किस पे करता है? आवेश पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आवेश एक है, दो है, कितना है, नहीं है, ठीक है, फलना ढिकाना जो भी हो, मतलब उसके आकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट टू। कॉन्सेप्ट टू में क्या करेंगे ना, इस बार फिर से तीन फिगर बनाएंगे सेम सेम, लेकिन इस बार जो है तीनों सेम बनाएंगे, ये एक, ये दो, ये तीन, ठीक है। ये तीनों फिगर आपको अच्छे से बोर्ड पर दिख रहा है या नहीं, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, फिर हम लोग क्लास को आगे करेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, चलो। तो ये तीनों फिगर आपको अच्छे से दिख रहा है, और इसमें भी हमने फिगर नंबर बिल्कुल अच्छे से डिनोट कर दिया, फिगर नंबर वन, फिगर नंबर टू एंड फिगर नंबर थ्री, ठीक है।
तीन फिगर हमने बनाया, 1, 2, 3। अब जो है यहाँ इसमें भी हमने आवेश प्लस क्यू दिया, लेकिन इसको यहाँ पर दिया। दूसरे में हमने प्लस आवेश क्यू यहाँ पर दिया, तीसरे में हमने प्लस क्यू आवेश यहाँ पर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये हमारा हो गया फाइव वन, सॉरी ये हमारा हो गया फाइव वन, ये हमारा हो गया फाइव टू, ये हमारा हो गया फाइव थ्री। तो फाइव वन बराबर, ठीक है, आपको पता है विद्युतीय फ्लक्स फाइव बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव वन बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है वो क्यू है बटे एप्सिलॉन नॉट। और अगर फाई टू की बात करें, यहाँ पर ही कर देते हम लोग, फाई टू की बात करें तो आपको पता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू यहाँ पर भी क्यू है और एप्सिलॉन नॉट तो हम यहाँ से ले लेंगे, ये क्यू है। फिर अगर हम फाई थ्री की बात करें, ठीक है, तो फिर से वही फार्मूला, सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू है और बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ से भी एक चीज़ प्रूव हुआ कि आप मतलब आवेश का आकार से तो आवेश के विद्युतीय फलक्स पर, सॉरी गौसीय फलक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस फिगर से यानी कॉन्सेप्ट टू से हमें ये भी पता चला कि आवेशों की स्थिति के कारण भी गौसीय फलक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश की स्थिति, एक आवेश यहाँ था, एक आवेश यहाँ था, एक आवेश यहाँ था, तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आवेश कहाँ है। आई डोंट केयर कि आवेश कहाँ है, बट हमें केयर इस बात पे करना है कि आवेश फलक्स के अंदर है, गौसीय फलक्स के अंदर है या बाहर है। अगर बाहर है तो वो बीजगणितीय योग में जुड़ेगा नहीं, अगर अंदर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पर है। तो कहेंगे सिद्ध हुआ कि गौसीय फलक्स में, सिद्ध हुआ कि आवेशों के स्थिति के कारण, स्थिति मतलब एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, आवेशों की स्थिति के कारण गौसीय फलक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो चार पांच नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको लिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको नोट कर लीजिए। सभी लोग अच्छा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल, सभी लोग एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको हमारे साथ। ठीक है, अभी और है 15 मिनट की, 10 मिनट की क्लास और है, 10 मिनट और करेंगे, 7, 8, 10 मिनट, पहले इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो सब लोग। मैंने बोला था आज 40 मिनट की क्लास होगी मिनिमम, तो ये 32 मिनट की क्लास में हमने गॉस के प्रमेय को क्लियर कर दिया था, 32-33 मिनट के क्लास में। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो हम करते हैं। क्लियर है? अब जो है, सॉरी, अब यहां पर नोट करके कुछ टॉपिक्स को लिखते हैं, नोट करके कुछ टॉपिक्स को लिखते हैं। ठीक है, रेडी हो आप सभी लोग? लिखेंगे कि विद्युतीय फलक्स सिर्फ बंद तल के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण होता है। विद्युतीय फलक्स सिर्फ बंद तल के अंदर, ठीक है, विद्युतीय फलक्स किसी सिर्फ बंद तल के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण होता है। विद्युतीय फलक्स सिर्फ बंद तल के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण होता है, आवेशों के कारण होता है, जबकि विद्युतीय क्षेत्र, सब जगह हो जाएगी, हो जाएगा ना जी, विद्युतीय क्षेत्र बंद तल के बाहर भी
बंद तल के बाहर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में लिखते रहो, अच्छा लगता है हमें, ठीक है। अगर आप लोग लिखते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जबकि विद्युतीय क्षेत्र बंद तल के बाहर उपस्थित आवेशों के कारण भी हो सकता है, भी होता है लिख देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है, सॉरी, विद्युतीय फ्लक्स जो है वो सिर्फ बंद तल के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण होता है, जबकि विद्युतीय क्षेत्र जो है बंद तल के बाहर, बंद तल के बाहर, जबकि विद्युतीय क्षेत्र सभी आवेश लिखना चाहिए, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र सभी आवेशों के, रुक जाओ थोड़ा सा आप लोग, सभी, कोई भी आवेश हो, सभी आवेशों के सभी, हाँ चलो अब सही है, सभी उपस्थित आवेशों के कारण भी होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो है वो बाहर में भी उपस्थित रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र काम करेगा, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा लिख लो, दूसरा लिखेंगे कि अगर किसी बंद तल के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, अगर कोई बंद तल के अंदर अगर कोई बंद तल के अंदर आवेश उपस्थित नहीं हो, अगर कोई बंद तल के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो तो बंद तल से होकर, तो बंद तल से होकर गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स का मान, गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स का मान शून्य होगा। क्लियर है दो टॉपिक। अगर कोई बंद तल के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, ऑब्वियसली मानकर चलिए कि ये एक बंद तल है, इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, बाहर में क्यों आवेश है, तो सिंपल सी बात है कि इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, एक गमन करेगी और एक निर्गत और एक आगत और एक निर्गत, तो आगत प्लस वन, सॉरी आगत माइनस वन और निर्गत प्लस वन, तो माइनस प्लस जीरो, नेट आवेश जो होगा वो हमारा शून्य ही होगा, सिंपल सी बात है। तो कहा गया कि अगर कोई बंद तल के अंदर आवेश उपस्थित नहीं हो और तो बंद तल से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो शून्य होगा, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्लियर है, क्लियर, चलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना जी, इसको नोट करते चलो आप लोग। और आप लोग प्रतिदिन जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख रहा है वो काफी अच्छे स्टूडेंट है, समझ लीजिए एक तरह के, ठीक है। तीसरा जो हम लिखना चाहेंगे कि अगर बंद तल के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का मान शून्य हो, अगर बंद तल के अंदर उपस्थित कुल आवेशों का मान अगर शून्य हो तो उससे होकर गुजरने वाली सभी विद्युतीय फ्लक्स का मान, शून्य होगा, ठीक है। बस दो मिनट की और क्लास है, दो टॉपिक अच्छा अच्छा जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कर लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। चौथा लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लिखना चाहेंगे, जो चौथा इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, कहेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स को के मान को निकालने के लिए एक बंद सतह का होना अनिवार्य। यह हम ऑलरेडी पीछे भी कह चुके थे कि विद्युतीय फ्लक्स के मान को निकालने के लिए एक बंद पृष्ठ का या बंद सतह का
बंद पृष्ठ का होना अनिवार्य है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट थी जो हमने अभी आपको लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, जिसे एक लाइन और लिख देते हैं, जिसे गौसीय सतह कहते हैं, ठीक है। जो जो नया स्टूडेंट है जी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बार बार बोल रहे हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन, जब भी हम लाइव आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जा सके, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये काफ़ी लंबी क्लास थी और बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसको नोट कर लो पहले आप लोग फटाक, ठीक है। इसको आप लोग फटाक नोट कर लो पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये चार लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे में हमारा आज का टॉपिक क्लियर होता है, गॉस का प्रमेय, जिसमें हमने सीखा कि गॉस प्रमेय में जिसको हमको गॉसिय फ्लक्स निकालना रहे, उसका फॉर्मूला फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन, जहां सिग्मा क्यू जो हमारा होता है, ये हमारा होता है कि कोई बंद तल के अंदर, सिग्मा क्यू जो हमारा होता है वो कुल आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, और एप्सिलॉन नोट जो होती है हमारी निर्बाध की परावैद्युता या निर्बाध की विद्युतशीलता होती है। इन दोनों के अगर रेशियो यानी बटा करेंगे तो हमें गौसिय फ्लक्स फाई की वैल्यू निकलेगी। फिर हमने सीखा कि गौसिय फ्लक्स फाई का मान, ठीक है, गौसिय फ्लक्स की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये हमने सीखा ना कॉन्सेप्ट वर्ड में। हमने सीखा कि गौसिय फ्लक्स फाई का मान गौसिय फ्लक्स की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, मतलब आकृति कुछ भी हो गौसिय फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा अगर उसके अंदर कुल आवेशों की संख्या समान है तो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अगर आवेशों की संख्या समान हो और आवेश एक स्थान से कई अलग अलग स्थानों पर हो, ठीक है, अलग अलग गौसिय सतह में अलग अलग स्थान पर हो, तब भी गौसिय फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं, जैसे हमने कॉन्सेप्ट टू में बताया था ये यहाँ पर है। तो गौसिय सिद्ध हुआ कि आवेशों के स्थिति के कारण गौसिय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा, बहुत ही अच्छे चीज़ को हमने सीखा, ठीक है। और उम्मीद है कि ऐसे ही करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, और बढ़ते 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 अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग के अंदर जो जज्बा है, जुनून है आगे बढ़ने का, वो आपको आपके लक्ष्य की ओर बहुत अच्छे से पहुंचाएगी, ठीक है। और मैंने क्लास के बीच में भी बोला था कि भले ही लॉकडाउन हो जाए, अनलॉक हो जाए, अनलॉक 2 आ जाए, 3 आ जाए, लेकिन हमारा तो एक ही कहना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी फॉलो करना है, बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और कंटिन्यू देखते रहना है ड्रीम क्लासेस, ओके। चलो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को भी बता देंगे हमारे चैनल पे, हमारा जो प्ले स्टोर पे लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, उसको डाउनलोड करेंगे। उसको डाउनलोड करने से एक फ़ायदा आपको होगा कि जब भी क्लासेस होती है तो उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे देते हैं, 3-4 मैसेज आपको पर डे आएगा जो आपको बताएगा कि कौन सी क्लासेस कब है, कौन सा टेस्ट कब है। और टेस्ट सीरीज़ हम अपनों आपको ड्रीम क्लासेस पे फ्री में जल्द लॉन्च करने वाले हैं, उसकी एक वीडियो हम बना देंगे, आपको बता देंगे कब से टेस्ट सीरीज है, ओके। बाय बाय।